पीएचडी की नई विज्ञप्ति रोकने को लेकर बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के छात्र पुनः धरने पर बैठ गए और जमकर बीएचयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, हिंदी, समाजशास्त्र और भूगोल विभाग में सितंबर 2011 से मार्च 2022 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। छात्रों ने इस मामले को लेकर अगस्त 2022 में कुलपति, परीक्षा नियंत्रक व विभागाध्यक्ष को अवगत कराया, जिस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सितंबर माह में गठित की गई, परन्तु किसी कमेटी ने आज तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। छात्रों ने पीएचडी के नए विज्ञप्ति को रोकने के लिए एक माह पूर्व आवेदन किया, किंतु इस आवेदन को अनदेखा करते हुए 23 नवंबर को नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई। छात्रों के कई बार धरना प्रदर्शन के बाद भी इस समस्या का अब तक हल नहीं निकला। छात्रों की मांग है कि जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक नई विज्ञप्ति पर रोक लगाई जाए। छात्रों का कहना था कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से उमेश यादव, अबरार अहमद, प्रिंस, चंदन दुबे, पवन सहित दर्जनों की संख्या में छात्र शामिल रहे। हम लोग पिछले चार महीने से हिंदी विभाग और एंशियंट तमाम विभागों में जो धांधली हुई है, 25 अगस्त को वाइस चांसलर द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है कि जो पीएचडी प्रक्रिया 2022 सत्र में हुई है उस पर कमेटी कब तक जो है रिपोर्ट देगी। वाइस चांसलर ने कमेटी बनाई, परंतु कमेटी आज चार महीने बीत जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है। हम सभी पीड़ित छात्र इस आशा में प्रत्येक दिन जी रहे हैं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, हमारे साथ न्याय हो सके। और लेकिन पूरा विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभागाध्यक्ष हमारे विजय बहादुर सिंह, विनय सिंह, इन तमाम ऊपर के अधिकारियों ने कमेटी को रोक रखा है रिपोर्ट देने से, और इन लोग की पूरी साजिश चल रही है कि रिपोर्ट को अति और भी लेट किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो टूट कर बिखर जाएँ। लेकिन उनको पता नहीं कि यह दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हम छात्र जो है किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जीतेंगे हम लड़कर। अगर कमेटी हमारे साथ हमारे पक्ष में रिपोर्ट देगी तो ठीक है, अगर हमारे विपक्ष में रिपोर्ट देगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम भारतीय जो न्यायालय है उसके पास जाएंगे ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। अगर भारतीय न्यायालय भी हमारे साथ न्याय नहीं कर सका तो फिर हम कुछ और करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम लड़ेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे।